हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि सारे मार्शल इमोर्टल मार्किंग टीम के अंडर जा चुके हैं। सारे सीनियरों के साथ मिलकर कुल 10 मार्शल मार्किंग को पकड़ लेता है। मगर आखिरी में हमने देखा था कि जब लोग रात में सो रहे होते तभी शूफेंग सोचने लग जाता है ऐसे कैसे होगा, एक दिन में सिर्फ मैंने दो मार्शल मार्किंग को ही हासिल किया है। और डेंग डेंग को इसके बारे में पूछने लग जाता है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को हेवेनली आई का यूज करने को कहती है। तभी शूफेंग उस मार्किंग के ऊपर अपना हेवेनली आई टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उस मार्किंग से शूफेंग को बहुत सारी रोशनी बाहर आती हुई दिखती है। तभी शूफेंग अपने हेवेनली आई की मदद से चारों तरफ भी देखने लग जाता है और शूफेंग को एक जगह से बहुत सारी लाइट निकलती हुई दी है और वो जाने लग जाता है। तभी शूफेंग को उधर एक मार्शल मार्किंग मिलता है और उसे शूफेंग अपने फॉर्मेशन की मदद से कर लेता है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और अभी भी शूफेंग सो रहा होता है। इसकी वजह से सीनियर सुनु शूफेंग को जगाने के लिए शूफेंग का कान खींचने लग जाती है, जिसकी वजह से शूफेंग उधर जग जाता है। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लगी है, शूफेंग तुम क्या नहीं देख रहे हो, अब दिन हो चुका है, तुम कितनी देर से ऐसे ही सोते रहोगे, जल्दी करो। तभी दिखाया जाता है सीनियर जिया शूफेंग को कहने लगती है, जूनियर युकिंग जल्दी करो, अगर तुम्हें भी और मार्शल मार्किंग चाहिए तो तुम्हें दूसरों की तरह हार्ड वर्क करना होगा। और ये कह के वो बाहर जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सारे लोग मार्शल मार्किंग को ढूंढने के लिए उधर उड़ते हुए जा रहे होते। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सारों सीनियर से थोड़ा नीचे उड़ रहा होता है, जिसको देख के सीनियर डॉन शूफेंग को कहने लगती है, जूनियर युकिंग तुम थोड़ा ऊपर उड़ो, क्योंकि मार्शल मार्किंग जमीन के नीचे छुपे नहीं रहते हैं और जनरली मार्शल मार्किंग आसमान के ऊपर ही रहते हैं। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, कल रात मैंने एक मेथड को हासिल किया था जिसकी मदद से मैं आसानी से मार्शल मार्किंग को ढूंढ सकता हूँ, इसलिए सारे सीनियर आप लोग मेरा फॉलो करिए, आज हम बहुत सारे मार्शल मार्किंग को हासिल करने वाले हैं। तभी सीनियर डॉन कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे मास्टर ने खुद ही कहा था कि सारे मार्शल मार्किंग बादलों के पीछे बहुत ही ऊपर छुपे रहते हैं। तभी शूफेंग सारे सीनियरों को कल रात शूफेंग ने जो मार्शल मार्किंग को हासिल किया था उसको दिखा के कहने लगता है, सारे सीनियर देखिए मैंने इस मार्शल मार्किंग को कल रात हासिल किया था। तभी दिखाया जाता है सीनियर जियान कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है जूनियर युकिंग, तुमने किधर इस मार्शल मार्किंग को हासिल किया है, शायद तुम्हें पता होगा मार्शल मार्किंग किधर हो सकते है और तुमने इस चीज को हमसे छुपा के अकेले ही उन सारे मार्शल मार्किंग को हासिल करने का प्लान बनाया होगा। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, सीनियर ऐसा नहीं है, कल रात मैंने एक मेथड को पा लिया था जिसकी मदद से मैं आसानी से मार्शल मार्किंग को ढूंढ सकता हूँ। तभी शूफेंग का बात सुन के सीनियर डॉन कहने लग जाता है, तुम अब भी एक्सक्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर मुझे पहले ही मालूम होता तुम ऐसे आदमी हो मैं कभी भी एग्री नहीं होती तुम्हारे साथ इधर आने के लिए। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, आप मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मगर हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम खुद के रास्ते में ही इधर से अब से चल सकते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनु सीनियर डोंग को कहने लगती है, सीनियर डोंग आप ऐसे कैसे जूनियर युकिंग के साथ हार्शली बात कर रहे हैं। तभी सीनियर डोंग कहने लगती है, क्योंकि मैं हार्टलेस हूँ और मुझे इसके ऊपर बिलीव भी नहीं है, कौन जानता है ये कितने और हिडन ट्रिक को हमसे छुपा रहा है। तभी दिखाया जाता है उन दोनों सिस्टर के बीच सीनियर जून आ जाती है और उन दोनों को ऐसे बात करने से रोक देती है। तभी दिखाया जाता है सारे सीनियरों के सामने आके कहने लग जाता है, सारे सीनियर मेरे लिए झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर फ्यूचर में मौका मिले तो मैं आप लोगों को जरूर रिपे करूंगा, अब मैं इधर से चलता हूँ, और ये कह के उधर जाने लग जाता है। मगर सीनियर शूफेंग को चिल्लाते रह जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर शूफेंग नहीं रुकता है और उधर से चला जाता है। तभी सीनियर सुनु शूफेंग का पीछा करने लग जाती है। तभी सीनियर यूजू उन दोनों को जाते हुए देख के सीनियर डोंग को पूछने लग जाती है, आप लोग कैसे उन दोनों को ऐसे ही जाने दे सकते हो। तभी दिखाया जाता है सीनियर डोंग गुस्से से कहने लग जाती है, मैं अपने मार्शल मार्किंग को उस बंदे के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी और सुनू ने जो किया है वो उसका मर्जी है। तभी सीनियर यूजू दोबारा से कहने लगती है, मार्शल मार्किंग इमोर्टल रियलम बहुत ही डेंजरस है, अगर उन लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो क्या होगा। तभी सीनियर डोंग कहने लग जाती है, जूनियर यूजू ये मार्शल आर्ट कल्टीवेशन की दुनिया है, अगर तुम इसी तरीके से दूसरों के बारे में सोचोगी तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा। तभी दिखाई जाता है सीनियर जिया उन दोनों को कहने लगती है, ठीक है अगर तुम लोग दूसरों से ज्यादा मार्शल मार्किंग हासिल करना चाहते हो तो
जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीनियर सुनहु शूफेंग का पीछा करके शूफेंग के पास पहुंच जाती है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी एक जगह में रुक जाता है। तभी शूफेंग सीनियर को पूछने लग जाता है, सीनियर आप इधर क्यों आई है। तभी सीनियर कहने लग जाती है, मुझे ऐसा लगा सीनियर डोंग और बाकी दूसरे गलत है, इसलिए मैं फॉलो करती हुई इधर आ गई हूँ। तभी शूफेंग सीनियर को पूछने लग जाता है, आप क्या नहीं डरती है, मैं आपके ऊपर बोझ बन सकता हूँ। तभी सीनियर कहने लगती है, ऐसा है तो क्या हुआ, मेरे पास मार्शल लॉर्ड रिलीम के पास वॉल स्पिरिट है जिसकी मदद से मैं बहुत सारे मार्शल मार्किंग को ढूंढ सकती हूँ। तभी शूफेंग सीनियर की बात में हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है, सीनियर आपके इधर आते हुए हम खाली हाथ नहीं जाएंगे इधर से। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने हवेली आय की मदद से उधर चारों तरफ देखने लग जाता है। तभी शूफेंग को एक पहाड़ के ऊपर मार्शल मार्किंग दिखता है। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर उस पहाड़ी की तरफ चलो। तभी वो दोनों उस पहाड़ी की तरफ जाने लग जाते हैं और उधर ही रुक जाते हैं, जिसको देख के सीनियर शूफेंग को पूछने लग जाती है, यू किंग हम इधर क्यों रुके हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस मार्किंग के पास चला जाता है, अपने फॉर्मेशन की मदद से उस मार्किंग को उधर ही कैद कर लेता है। तभी शूफेंग को उधर अपने स्पेशल फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए देख के सीनियर शूफेंग को पूछने लग जाती है, यू किंग तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है जब उस मार्किंग को कैद कर लेता है, तब सीनियर उस मार्किंग को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है, ये तो एक्चुअली में एक मार्शल मार्किंग है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस मार्शल मार्किंग को सीनियर को देने लग जाता है, जिसकी वजह से सीनियर बहुत ही खुश हो जाती है और शूफेंग को कहने लग जाती है, जूनियर यूकिंग तू मेरे साथ इतने क्यों अच्छे हो। तभी शूफेंग भी कहने लग जाता है, क्योंकि सीनियर हमेशा से मेरे साथ ही रही है। तभी सीनियर शूफेंग के ये सारे बात सुन के खुशी के मारे रोने लग जाती है। तभी हमें आठ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर शूफेंग और सीनियर ने अपने अपने 18 मार्शल मार्किंग को हासिल कर लिया होता है, जिसकी वजह से सीनियर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी शूफेंग को देख के सीनियर शूफेंग को पूछने लग जाती है, यू क्या कुछ गलत है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, हम मार्शल मार्किंग के बहुत जगह में घूमे मगर अब भी हमें वो मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस नहीं दिखाए। तभी सीनियर कहने लगती है, मैंने एक बार सुना था हमारे मास्टर ने मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलीम के बॉर्डर के बारे में मेंशन किया था, शायद उधर मार्शल मार्किंग इमोर्टल लोटस अपीयर हो सकता है। तभी शूफेंग हैरानी से कहने लग जाता है, क्या मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलीम का कोई बॉर्डर भी होता है। तभी सीनियर कहने लग जाती है, हम लोग इसके बारे में फील नहीं करते क्योंकि हम जिस जगह से जाते हैं वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है, मगर तब भी हम एक सर्कल में ही चल रहे हैं इधर। तभी शूफेंग भी कहने लग जाता है, ये तो बहुत ही अजीब है, इस बात को मैंने भी फिलहाल नोटिस नहीं कर पाया हूँ। तभी शूफेंग को कुछ याद आ जाता है और कहने लग जाता है, हमारे सेंसेंस लॉक होने की वजह से डायरेक्शन को देख नहीं पा रहे हैं, मगर मेरा वॉल स्पिरिट कंपास देख सकता है, और एक एक के अपना वॉल स्पिरिट कंपास को निकाल लेता है। तभी सीनियर कहने लग जाती है, उस कंपास को इस जगह में स्पिरिट पावर काम नहीं करता है तो ये कैसे काम करेगा। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तभी शूफेंग अपने कंपास को एक्टिव कर लेता है और वो काम करने लग जाता है। तभी सीनियर इस कंपास को काम करते हुए देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लग जाती है, यूकिंग हम सक्सेस हो गए, और यूकिंग को कहने लग जाती है, यूकिंग तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। तभी दिखाया जाता है वो कंपास लोगों को डायरेक्शन दिखाने लग जाता है। तभी सीनियर कहने लग जाती है, यूकिंग जल्दी से चलो, हम जाके देखते हैं मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलीम के बॉर्डर में कैसे ऑडिटी पाए जाते हैं। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है, सीनियर थोड़ा रुको, हमें केयरफुल रहना होगा। तभी सीनियर कहने लग जाता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मत डरो। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए। थैंक यू।